हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक स्ट्रीम। यहाँ पर मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा मेजर लीग सॉकर का, जो कि एमयू वर्सेस सैन जोस के बीच खेला जाएगा 6:30 बजे। एंड बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। देन बात करें अगर हम इस मैच की, तो एमयू एंड सैन जोस, भाई दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा ओवर रेटेड है। मतलब मेरे को ये चीज़ बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं भाई, क्योंकि मैं सैन जोस टीम से तो बहुत सड़ा बैठा हूं। इतनी बेकार, मतलब कैसे हो सकती है कोई टीम, जबकि इतने सारे मैचेस हैं। तब भी मेरे को इस मैच को इसलिए कवर करने का मन आया क्योंकि मैं सैन जोस को हारता देखना चाहता हूं इस मैच में, क्योंकि यार नई ढंग का खेलेंगे तो यही होगा। तो मैं एमयू के साथ लिटिल बिट यहाँ फेवर में रहूँगा। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ, तो स्ट्राइकिंग सेक्शन में एमयू टीम का द मोस्ट मेन प्लेयर टी ऑल्यूएससी ने लास्ट मैच के अंदर किया था गोल, बट वो मैच इन्होंने ऐड नहीं किया था, तो वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा 30 जून के बाद, जबकि इस टीम के काफ़ी मैचेस हो चुके हैं जो यहाँ शो नहीं हो रहे, जबकि टैनी ऑल्यूएससी में वो काफ़ी ज़्यादा मेन था उन मैचेस में। उसके बाद जियोंग का गेम प्ले बहुत मैटर करता है, क्योंकि टीमू पुक्की एज अ सब्स्टिट्यूट एक ही गोल करके गया इस सीज़न। पूरे सीज़न में अगर कोई मेन स्ट्राइकर सिंगुलर गोल करेगा तो टीम तो भाई गिरेगी। इसलिए हॉलंगवेन भी इतना खास खेल नहीं रहा, ठीक है, अगर खेलेगा मैं ज़रूर लूँगा, मैं दिल से लूँगा उस प्लेयर को, मैं मना नहीं कर रहा। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूँ, इन तीनों में से कोई दो प्लेयर खेलेंगे जिसमें से हॉलंगवेन एंड ऑल्यूएससी के सबसे ज़्यादा चांस है। मान लेते हैं अगर इस मैच में हॉलंगवेन नहीं खेलता तो आपने जियोंग को लेना है, मतलब इन तीनों में से जो दो प्लेयर खेलेंगे आपने वो लेने हैं, अगर मैं सही शब्दों में कहूँ। उसके बाद ऑपोजिशन टीम में मतलब जे इबोबाइस तो चला नहीं, मतलब इवन इतने मैच कवर कर लिए, इतने भी पीछे इंटरनेशनल भी चल रहे थे, तो मैंने इबोबाइस को नहीं देखा चलते हुए। तो मेरा जो ध्यान है दैट वाज विद एस्पिनोजा, मतलब मैं तो देखो एस्पिनोजा के साथ हूँ, और मैं चाहता भी हूँ कि एस्पिनोजा चल कुछ करे टीम के लिए। मैं नहीं कहता, ठीक है, सैन जोस से मैं बेकार सड़ा बैठा हूँ, लेकिन अगर वो टीम कमबैक करेगी तो अपना गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाएगा। एंड मिडफील्डिंग की बात करें दैन एच डॉटसन, जो कि अभी लास्ट मैच में गोल करके गया था, बट इफ़ अगर आप सिंगल गोल देखते हो तो आप डॉटसन को नहीं लोगे, क्योंकि ऐसा है कि डॉटसन ना रेगुलर नहीं चलता। डॉटसन ना कभी कभी, जैसे दो चार पाँच मैच में एक गोल, 10 मैच में 2 गोल, ऐसा रेशियो है। और रॉसेल्स की बात करूँ तो रॉसेल्स भी इतना लाइक नहीं है, सो लॉर्ड बचता है, जबकि आर लॉर्ड इज़ अ ग्रेट प्लेयर भाई। मतलब मैं मानता हूँ कि रॉबिन लॉर्ड कुछ है, कुछ दम रखता है ये प्लेयर। उसके बाद लॉपेस की अगर बात करें तो यहाँ पर लूँगा हर्नान लॉपेस को। उसके बाद यूएल, तो मैं यूएल को भी यहाँ पर लूँगा, ठीक है, अगर यूएल नहीं खेलता तो पेलेग्रिनो, क्योंकि पेलेग्रिनो अपने टाइम पे स्ट्राइकर रह चुका है। सो अगर आपने अभी पेलेग्रिनो को सेव करना है तो आप बेधड़क बिना सोचे कर सकते हैं। और डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर बॉक्सल की बात की जाए तो एम बॉक्सल तो चलो अच्छा है ही, लेकिन टापियास को लास्ट मैच में ले नहीं पाया था, बहुत डर सा लग रहा था, लेकिन 30 जून के मैच में फ्लॉप ही हो गया पूरा, लेकिन आज ना हो। एंड डी टेलर की अगर बात करें तो आई एम गोइंग विद डी जे टेलर, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं डी पैडल फोर्ड की, तो जिन्होंने सिंगल साइड टीम बनानी दे कैन गो विद पैडल फोर्ड, जिन्होंने डबल साइड बनानी है वो आर डी ओलिविरिया को ले सकते हैं। मैं पर्सनली डी ओलिविरिया के साथ जा रहा हूं। एंड गोलकीपिंग सेक्शन में यार ब्रश के साथ यहां पर आपने जाना है, किसी भी टीम को फेवर करते हो कभी भी उस टीम का गोलकीपर मत लेना। तो बात करें कैप्टन की, कैप्टन है मेरा टी ओलिवेसी, वाइस कैप्टन है जो वो है मेरा आर लॉर्ड। दैन दिस इज़ माई टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।